हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का 2021 काफ़ी अच्छा बीते और साथ ही फ्रेंड्स मेरा भी, ताकि हमें और कोई प्रॉब्लम इस साल ना देखने को मिल जाए। जैसे कि मैं 2020 में काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, जैसे कोरोना वायरस, दंगे और काफ़ी कुछ और देखने को मिला फ्रेंड्स 2020 में। और साथ ही फ्रेंड्स 2020 से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिला था फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस साल काफ़ी अच्छा बीते हो आप सबका भी और साथ ही फ्रेंड्स मेरा भी। तो फ्रेंड्स आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूँ मैं, जो कि बजट रेंज के अंदर में स्मार्टफोन होने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप लोग इस साल कुछ नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो बजट रेंज के अंदर में, या फिर आप सोच रहे हो कि कुछ अच्छा स्मार्टफोन लिया जाए जो कि आपके जो बजट के अंदर हो और जो कि आप लोगों को 6 से 7 के अंदर पड़ जाए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वैसे ही फ़ोन आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि आपको 6 से 7 के अंदर में देखने मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इन फ़ोनों के अंदर आप लोग काफ़ी अच्छे डिस्प्ले, काफ़ी अच्छे प्रोसेसर, काफ़ी अच्छे बैटरी बैकअप और काफ़ी अच्छा स्टोरेज और रैम देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छे ब्रांड के ये बेस्ट स्मार्टफोन होने वाले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि फ्रेंड्स आपकी पसंद का फ़ोन भी आपको इस वीडियो में मिल जाए फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा ताकि फ्रेंड्स आपको भी अच्छा स्मार्टफोन मिल सके फ्रेंड्स। तो चलिए फिर बिना अटके वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में कि कौन से वो बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना अटके वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं नंबर 4 से। तो नंबर 4 पे फ़ोन आता है, वो है इन्फिनिक्स स्मार्ट HD। ये फ़ोन आप लोगों को 6000 रुपये में देखने मिल जाएगा। इस फ़ोन में आप लोगों को 6.1 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। कि साथ ही इस फ़ोन के बैक में आप लोगों को सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि 8 MP का सिंगल कैमरा आप लोगों को इस फ़ोन के बैक में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फ्रंट में आप लोगों को इस फ़ोन के 5 MP का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। साथ ही इसके फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में आप लोगों को MediaTek का हेलियो A20 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 1.8 GHz की स्पीड पर रन करता है फ्रेंड्स। इस फ़ोन में आप लोगों को 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। साथ ही इस फ़ोन के बैक में आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इस फ़ोन का प्राइस है फ्रेंड्स 5999 रुपये। ये फ़ोन आप लोगों को किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होता है इन्फिनिक्स स्मार्ट HD। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को फ़ोन पसंद आता है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नंबर 3 पर ये फ़ोन आता है, वह है Redmi 9A। ये फ़ोन आप लोगों को 7000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में आप लोगों को 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस फ़ोन के बैक में आप लोगों को सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड 13 MP का सिंगल कैमरा आप लोगों को इस फ़ोन के बैक में देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को 5 MP सिंगल सेल्फी कैमरा आप लोगों को इस फ़ोन के फ्रंट में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आप लोगों को MediaTek का हेलियो G25 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्रेंड 2.0 GHz की स्पीड पर रन करता है। साथ ही बात करें इस फ़ोन के स्टोरेज और रैम के बारे में तो इस फ़ोन में आप लोगों को 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करें इस फ़ोन की सिक्योरिटी के बारे में तो इस फ़ोन में आप लोगों को फेस अनलॉक फीचर देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट रेंज फ़ोन है इसलिए आप लोगों को इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। बात करें इस फोन के प्राइस के बारे में तो इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स वो है 6999 रुपये। ये फ़ोन आप लोगों को किसी भी ऑनलाइन स्टोर नहीं तो आप लोगों को ऑफलाइन स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होता है Redmi 9A। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को फ़ोन पसंद आता है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस फोन को परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ। फ्रेंड्स नंबर 2 पर ये फ़ोन आता है, वो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। ये फ़ोन आप लोगों को 7000 रुपये में देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन में आप लोगों को 6.8 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस फ़ोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे पहला कैमरा आता है 13 MP प्राइमरी कैमरा, उसके साथ ही आप लोगों को डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो फिर इस फ़ोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में तो फ्रंट में आप लोगों को 8 MP सिंगल सेल्फी कैमरा आप लोगों को इस फ़ोन के फ्रंट में देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में आप लोगों को MediaTek का हेलियो A22 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो कि 1.8 GHz स्पीड पर रन करता है इसका प्रोसेसर। स्टोरेज और रैम की बात करें तो इस फ़ोन में आप लोगों को 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही बात इस फोन के बैटरी के बारे में तो इस फ़ोन में आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी की बात करें तो इस फ़ोन के बैक में आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। बाकी फिर काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, जो कि फ्रेंड्स आप लोग 6999 रुपये में देखने मिल जाएगा।
अगर फ्रेंड्स आप लोग हम पसंद आता है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग किसी भी ऑनलाइन स्टोर या फिर ऑफलाइन स्टोर पर भी आप लोग इस फ़ोन को ले सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ। फ्रेंड्स नंबर वन पर जो फ़ोन आता है वो है मैक्रोप्लस N1V। ये फ़ोन आप लोगों को 7000 रुपये में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस फ़ोन में आप लोगों को 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस फ़ोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे पहला कैमरा आता है 13 MP प्राइमरी कैमरा, दूसरा कैमरा आता है 2 MP डेप्थ सेंसर। तो इस फ़ोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को 8 MP सिंगल सेल्फी कैमरा आप लोगों को इस फ़ोन के फ्रंट में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आप लोगों का MediaTek का हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.3 GHz की स्पीड पर रन करता है इसका प्रोसेसर। स्टोरेज और रैम की बात करें तो इसमें आप लोगों को 2GB रैम 32 स्टोरेज देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। साथ ही बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में तो इसमें आप लोगों को 5-6 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। उसके साथ ही इस फोन में आप लोगों को USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आप लोगों को बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस फोन का प्राइस जो है फ्रेंड्स वह 6999 रुपये। ये फ़ोन आप लोगों को किसी भी ऑनलाइन स्टोर या फिर ऑफलाइन स्टोर पर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। बाकी फिर काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होता है माइक्रोप्लस N1V। तो इस फोन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस फोन को परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यही तो वो 4 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आप लोगों को 6 से 7 हज़ार रुपये के अंडर देखने को मिल जाते हैं। चार ही फोन में आप लोगों को परचेज अच्छा देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। डिस्प्ले आप लोग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, उसका बैटरी बैकअप वो फ्रेंड्स आप लोग चार ही फोन में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स चार ही फोन में आप लोगों को स्टोरेज और रैम बिल्कुल सेम देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को मैक्रोप्लस N1V में एक चीज़ ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स, वो है इस फोन का चार्जिंग पॉइंट। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को मैक्रोप्लस N1V में आप लोगों को USB Type-C पोर्ट दिया गया है, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स इस फोन का जो चार्जिंग स्पीड होता है वो आप लोगों को काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को मैक्रोप्लस N1V में। इसके लिए फ्रेंड्स आपको चारों फोन में खर्च बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। अगर आपको चारों में से कोई फ़ोन परचेज करना है तो चारों फोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चारों में से कोई फ़ोन को परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। बाकी मैं चार ही फोन आप लोग काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होने वाले हैं आपके, जो चार फोन में आपने आपको मैंने इस वीडियो में बताए हैं। के साथ ही फ्रेंड्स अगर आपके पसंद का फोन मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं करा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में उस फोन को जरूर ऐड करूँ और आपको बताऊँ कि आपके लिए फ़ोन बेटर है कि नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपके कोई पसंद का फ़ोन है जो कि आप लेना चाहते हो और आपको उसकी डिटेल नहीं पता, तो वही फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं इसके ऊपर आपको पूरी वीडियो बना के दूंगा और साथ ही बताऊँ कि आपके लिए फ़ोन बेटर है कि नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर यही तो वो 4 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगती है। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के वो अपनी पसंद का फोन ले सके फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपके मन में हमारे कोई सवाल है तो कमेंट करके बताएं, ताकि हमें मोटिव मिले आपके लिए बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।